राजनाथ गांव से है, जहां पर सरकारी धान खरीदी ना शुरू होने से मजबूरी में किसानों को अपनी फसल औने पौने दाम पर बेचनी पड़ रही है। धान खरीदारी में विलंब के चलते किसान अपनी उपज मंडी में बेचने को मजबूर हो रहे हैं। महज एक माह में ही किसानों ने लगभग 3 करोड़ रुपए का धान मंडी में बेचा है। सरकार ने इस साल धान के रेट तो 100 रुपए प्रति क्विंटल कर दिए हैं, लेकिन खरीदी दिसंबर से की जाने वाली है। किसानों का कहना है कि उन्होंने अपने खेत में बनिहार लगाकर काम कराया है, अब उनको रुपए देना है। ऐसे में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू नहीं होने से कम दाम में मंडी में धान बेचने की मजबूरी उनके सामने है। अब किसान परेशान इतना ज्यादा हुआ था कि मान के चलो अभी हम लोग कोई अगर पैसा देना है तो पैसा हम दे नहीं पाता, हमारे ऊपर चढ़े पड़ा थे, काफी काम कर चुके हैं तो एकर वजह से का है हमला धान ला मंडी लाना। अच्छा मंडी भी हम लावा था तो यहू में हमला जैसे हमला मिलना रही उस प्रकार से नहीं मिला था। 2500 रुपए क्विंटल के है बोला देना चाहिए जल्दी से, तो इधर बढ़ा रहे अपन है, इसलिए हम यहाँ ला मजदूर से पूछे थे। नहीं अभी तो कटाई चल रहा है तो अभी आवक ऐसी बरकरार रहेगा, जहाँ तक समर्थन मूल्य तो 1 दिसंबर से ही खरीदी चालू होगी, तब तक की कटाई और मिंजाई इसमें समय लगता है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे अधिक आवक बढ़ेगी।